नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। टीआरएस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा पिछले 14 दिसंबर से लापता। लड़की मढ़ी गांव थाना रायपुर करचुलियान की रहने वाली। आज एनयूएसआई ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर तत्काल लड़की को खोजने की मांग की। रीवा के टीआरएस कॉलेज की छात्रा 14 दिसंबर से लापता। एनएसयूआई संगठन ने रीवा एसपी को सौंपा ज्ञापन। लड़की रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत मढ़ी गांव की रहने वाली, प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक रीवा के टीआरएस कॉलेज की एक छात्रा पिछले कई दिनों से लापता है। एनएसयूआई छात्र संगठन की माने तो लड़की पिछले 14 दिसंबर को अंतिम बार कॉलेज आई थी, उसके बाद से ही लापता है। उसने दूसरे दिन अपने घर पर फोन किया था, जिसमें लड़की ने कहा था, मैं बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे बचा लो। जिसकी शिकायत लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन ने रीवा एसपी को सौंपा ज्ञापन। मांग की है जल्द से जल्द छात्रा को ढूंढने में प्रशासन मदद करे, पुलिस लड़की को खोजने में मदद करे। छात्र संगठन और पुलिस से कप्तान से हमारी बात हुई, आइए आपको सुनाते हैं इस मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा पत्रकारों से। जब उन्होंने पत्रकारों ने लड़की को लेकर सवाल पूछा तो सुनिए। आज हम लोगों ने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है। विगत कई दिनों से 14 तारीख से, जो कि 14 दिसंबर से, टीआरएस कॉलेज की एक छात्रा लापता है, जिसकी कार्यवाही मढ़ी अंतर्गत रायपुर करचुलियान अंतर्गत थाना आता है, वहाँ पे उसके परिजन ने रिपोर्ट डाला था 14 तारीख को ही शाम को। 14 तारीख को लड़की आती है कॉलेज में, क्लास लेती है। क्लास लेने के बाद शाम को उसको घर जाने का जब टाइम होता है, वो घर के लिए रवाना होती, लेकिन वो घर नहीं पहुंचती है लड़की। उसके बाद रायपुर करचुलियान में उसके परिजन जाते हैं थाने में और शिकायत दर्ज करते हैं कि हमारी लड़की घर नहीं पहुंची है। उसके बाद वहां पे पुलिस थाना में कोई, आज दिनांक 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं। नाम लड़की बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही थी, वो विगत 10 दिनों से गायब है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो लड़की फोन भी करती है, लड़की ने फोन भी किया दूसरे दिन सुबह अपनी माता बड़ी बहन को कि मम्मी मैं बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे बचा लो। इतना कहने के बाद वो फोन कट जाता है, फोन बंद हो जाता है। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम लोग आज एसपी साहब के पास आए हैं। हम लोग टीआरएस कॉलेज के हैं, एनएसयूआई वाले हैं। हम सब उस छात्रा के लिए जो गायब हुई है, हम चाहते हैं कि उसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई हो, अन्यथा हम 3 दिन के अंदर कॉलेज में भी तालाबंदी कर देंगे। अगर लड़की के जानकारी नहीं मिलती है कहाँ गायब है, क्या हुआ उसके साथ, जो भी हुआ है उसको सामने आए और उसकी जांच हो जल्द से जल्द। एसपी महोदय से यही हमारी मांग थी। आज एसपी साहब से मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं अभी थाने में बुलवा रहा हूँ, जिस नंबर से फोन आया था उसको ट्रेस करवा रहा हूँ और कॉल डिटेल निकलवा रहा हूँ। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ एसपी साहब से कि इस पर कार्रवाई करिए, अन्यथा हम 3 दिन के अंदर कॉलेज के गेट में ताला बंद कर देंगे। 19 वर्षीय छात्रा जो अभी अपने घर पर नहीं पहुंची है, उनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई है अभी, और जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल थाना रायपुर को भी उसमें बताया गया है और साइबर सेल को भी उसमें शामिल किया गया है। जैसा कि उन लोगों ने बताया, जिस नंबर से बात हुई है तो उसको देखते हुए, और दोनों को बताया गया है कि उनको शीघ्र ट्रेस करें और जो भी और इन्फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स से मिल सकती है उनसे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इससे कि जल्दी उनको वापस ला सकें। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।